राजधानी रांची में एक्सपो उत्सव का आयोजन होने जा रहा है और ये रांची वासियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगा। ये एक्सपो 24 से 28 नवंबर तक आयोजित होगा जिसमें देश के कई राज्यों से यहां व्यवसायी मौजूद होंगे। एक्सपो की जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपो के लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं क्या कुछ खास होगा इस एक्सपो। एक्सपो में इस बार बहुत कुछ खास है, बिस्ट्रो कैफे है, फ्री वाईफाई जोन है, QR स्कैन कोड सिस्टम है जिसे हमारे प्रेमाइसेस का पूरा डिटेल आदमी को स्कैन करते ही मिल जाएगा। बाकी फन गोला है जो बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें काफी नए आकर्षक झूले हम लोग लेके आ रहे हैं उनके लिए। और बाकी इस साल हमारा एक्सपो का 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष है, वर्षगांठ है, तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और हम लोग एक अच्छा अनुभव देने के लिए लगे हुए हैं। पिछले 24 वर्षों से सफल आयोजन के बाद 25वां वर्ष है, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, खासकर जब आप युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, कैसे देखते हैं? युवाओं के लिए हम लोगों ने इस बार स्टार्टअप जोन लाया है, इसमें नए एंटरप्रेन्योर जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप ये सब करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग हैंगर ही बनाया है हम लोगों ने, उनसे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। फिर नए में अभी पिंक हैंगर हमारा है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा मिले। अभी कुछ बाइक रैली भी आप लोग कर रहे थे, क्या कुछ ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम रांची वासियों को बताना चाहते हैं कि अब एक्सपो ज्यादा दूर नहीं है, आज से सिर्फ 2 दिन बाद एक्सपो शुरू हो जाएगा, रांची के हर कोने में हम लोग जाएंगे और उनको बस यही बताना चाहते हैं कि अब एक्सपो बस त्योहार की तरह आपके पास आ गया। बिल्कुल, बस कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही समय के बाद एक्सपो उत्सव का आयोजन होगा और लोग इसका लुत्फ उठाएंगे। इस एक्सपो में खास करके जो चीजें मिलेंगी, जो व्यवसाय आएंगे, इसमें क्या कुछ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ बेहतर और खास होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए हम लोगों ने एक अम्यूजमेंट पार्क पंगोला के नाम से लॉन्च किया है। इसमें 15 डिफरेंट वैरायटीज के झूले, क्रिकेट, पेंटबॉल, बहुत सारे आइटम रहेंगे जो कि बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। बच्चों को कहीं भी रांची में वैसा एक फैसिलिटी नहीं मिलता है कि जहां बच्चों जाकर के एंजॉय कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश की कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो बच्चों के लिए देंगे। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एरिया डेडिकेट किया है बच्चों के लिए जिसका नाम रखा है फनगोला। हम लोगों ने 25,000 बच्चों के लिए पासेज जो है वो रांची के डिफरेंट स्कूल्स में हम लोगों ने बांटे हैं ताकि बच्चे आए और राइड्स का फ्री में आनंद ले। तो मैं सारे रांची वासियों से उम्मीद करूंगा कि बच्चों को लेके फनगोला में JCI ने तो हमेशा से सफल आयोजन किया है, कहीं ना कहीं कोरोना काल की चुनौतियों का भी खामियाजा मतलब ये रहा आप लोगों को, मलाल रहा कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो JCI कुछ और बेहतर कर सकता। लास्ट विगत 2 सालों से हम लोग एक्सपो का आयोजन नहीं कर पाए, कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के अनुरोध जो है हमारे को गवर्नमेंट से द्वारा परमिशन नहीं दिया गया, किसी को परमिशन नहीं दिया गया, उसी तरह एक्सपो को भी JCI में परमिशन नहीं दिया सरकार ने। अब उसके बाद 2 साल के बाद रांची वासियों का ये जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है, जो कमियां रह गई उसे पूरा किया जाए, उसे पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, तो JCI द्वारा एक्सपो 2022 का आयोजन 24 से 28 नवंबर तक हो रहा है जिसमें देश के कई राज्यों से व्यवसायी पहुंचेंगे, खासकर रांची वासियों के लिए ये किसी उत्सव, किसी त्यौहार से कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एंजॉय के लिए, उत्साह के लिए हर एक चीज मौजूद होगी जो रांची वासियों के लिए एक सौगात से कम नहीं होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।